again. आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। बांग्लादेश की कंट्री से एक सरपंच के बेटे का कनेक्शन पाया गया जो कि पटना की पुलिस ने अरेस्ट युवक ने खुलासा कर दिया। दरअसल एक युवक है दीपक चौधरी जो कि 25 वर्ष का है और फर्जी आधार कार्ड इंडियन नागरिक होने की फर्जी दस्तावेज बनाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो कि एक बांग्लादेश के एक युवक को अपने घर पर 6 महीने तक पनाह दिया था जो कि पूरी तरह भारतीय संविधान के खिलाफ है। यह खुलासा तब हुआ जब उस युवक का पासपोर्ट बनाने के लिए पटना कार्यालय में पहुंचा था। जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो बांग्लादेशी युवक ने अपना ओरिजिनल नाम बताया, फिर जाकर पासपोर्ट ऑफिस के कर्मचारी गए पूछताछ शुरू कर दिया। तब जाकर बांग्लादेश के युवक फर्जी साबित हुआ और पटना की पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी युवक ने पुलिस की पूछताछ से सारा सच बता दिया जिसके बाद उस लड़के को जेल भेज दिया गया। पटना की पुलिस ने उस बांग्लादेश के युवक के साथ साथ 5 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। मधुबनी जिले के खजौली थाना अंतर्गत खजौली गांव में उषा देवी नाम की एक महिला है जो कि पंचायत प्रतिनिधि भी है और सरपंच के पद पर तैनात है। उसके बेटे दीपक चौधरी जो कि बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान न जाने किस किस देशों से उसका ताल्लुकात है। यह युवक गरीब गुरबा लोगों को फर्जी दस्तावेज पर दुबई सऊदी और कतार भेजने का काम करता है जो कि यह युवक मुंबई में रहकर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है। इसका खुलासा तब हुआ जब उसने अपने विश्वसनीय दोस्त को मोबाइल फोन पर सब कुछ बताया। उस दोस्त ने इसकी सारी बातें को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ऑडियो वायरल होने के बाद दीपक चौधरी घर छोड़कर फरार हो गया। इस युवक ने ऑडियो क्लिप में बहुत सी ऐसी बातें बोली जो कि जांच पड़ताल करने की बात होगी। वही एक ग्रामीण युवक ने जब उसकी सच्चाई जानी तो उसने उसका युवक का विरोध करना शुरू कर दिया और उसे पुलिस कप्तान से लेकर गृह मंत्रालय तक लिखित रूप में शिकायत किया है। अब इस लड़के को जान का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि दीपक चौधरी नाम का युवक का तार आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ है। यह हम नहीं बल्कि राजद के एक नेता ने भी पाकिस्तान के साथ दीपक चौधरी कनेक्शन का खुलासा कर रहा है। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आप दहशत में? सर दहशत में इस चीज का है कि पुलवामा जैसे हादसा ये जो दीपक जो जिस हिसाब से ये ऑडियो वायरल हुआ उस ऑडियो के हिसाब से फिर से ये हमला होने वाला है। वो बोला ये हमको ऐसे धमकी देता है कि जो वर्ल्ड में हम कहीं जैसे पुलवामा में हमला हुआ वैसे वर्ल्ड में हम कहीं हमला करवा सकते हैं आरएक्स के थ्रू। तो तुम्हारा घर हमको 2 मिनट नहीं लगेगा, तुम्हारा घर को उड़ा देंगे। और करीबन इसका उम्र 24 से 25 वर्ष हो रहा है, वो अभी तक 10 कंट्री अप डाउन कर लिया है। 10 दिन 15 दिन रह करके अप डाउन करता है और ये इतना बोलता है कि मेरा हर वर्ल्ड से कनेक्शन है, कुछ भी करवा सकता है। इसका मम्मी जो उषा देवी है अभी वर्तमान सरपंच है, वो उनका काफी वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि मेरा बेटा ये जिला का हीरो बने, ये करे वो करे। मैंने वर्ल्ड कनेक्शन मैंने किस मुद्दा पे वो कह रहा था, मैंने क्या कनेक्शन, वो आपराधिक गतिविधि है या वो तो पूरा पॉलिटिशियन गतिविधि है? वो तो पॉलिटिशियन तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल अपराधी है। वो जो आरडीएक्स का जो ऑडियो जो वायरल हुआ उस ऑडियो में तो खुलासा वो बोल दिया है कि मेरा वर्ल्ड कनेक्शन है। वर्ल्ड कनेक्शन जब पुलवामा जैसे हमला आरडीएक्स के थ्रू, तुम लोग को ये नहीं पता है, हम लोग किसी को जो ऑडियो वायरल हुआ तो उसको जो गाली दे रहा है तो उसको कह रहा है कि ये नहीं पता है कि पुलवामा जैसे हमला आरडीएक्स के थ्रू हुआ और वो एक दूसरे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, सबका कनेक्शन लगा हुआ है। वो कभी चैन से बैठता नहीं है, 10 दिन यहाँ रहता है तो 10 दिन वहाँ रहता है, वो अप डाउन में लिंकअप में ही एक दूसरे के तार जुड़ा हुआ है। आलोक जी, आप जिस भी चैनल से बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ बाहुबली विधानसभा का भावी प्रत्याशी हूँ और मैं लालू जी के आवास का बहुत करीबी हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वह दारू का शराब का कारोबार करवाते हैं। गांव में जितनी महिला है, महिला को इतना बढ़ावा दे चुके हैं जो कि कोई भी हद तक पहुँचने के लिए तैयार है। यहाँ उषा कुमारी जो हमारी खजौली पंचायत की सरपंच है, उनका बेटा पुलवामा आतंकवादी से जुड़ा हुआ है, इतना बढ़ावा ले चुका है जहाँ गांव में हरेक मुद्दा में जो है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है और इसको देखने वाला कोई नहीं रहता है। अच्छा, कुछ गांव के ही कुछ युवक है जो गांव का, यहाँ जितना भी नवयुवक है सभी बेरोजगारी हटाओ यात्रा से जुड़ा हुआ है। सभी चाहते हैं यहाँ के जो खजौली पंचायत का जितना बेरोजगार नवयुवक है, जो युवा बेरोजगारी से जुड़े, लेकिन एक महिला पूरे पंचायत को जो है हिला के रख दिया है।
कभी कुछ करवाती है, कभी दो दो चार लड़की को लेके कुछ करवाती है। ये पूरा मेला पूरे पंचायत को, गांव की, यहाँ के गांव के पंचायत को, गांव की सारे समाज को पूरा बर्बाद कर रखेगा। उसका उसका लड़का है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सर मुद्दा ये था कि एक अपराधी बांग्लादेशी था, उसको घर में पनाह दिया करीबन 3-4 महीना समथिंग वो घर में रखा, फर्जी पासपोर्ट बनाने के संबंध में यह हमने बोल रहे हैं। वो फर्जी पासपोर्ट, उसका मम्मी अभी वर्तमान में सरपंच है, सरपंच वो अपने जो भी कुछ लेटर पैड हो या जो भी कुछ हो वो उसके आधारित उनका आधार कार्ड, बांग्लादेशी का आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के बाद में उनका लड़का दीपक कुमार चौधरी ने उसको फर्जी पासपोर्ट बनाने के लिए पटना ले गया। पटना ले जाने के बाद में उनको फर्जी पासपोर्ट ऑफिस पर गया, उसको जो पूछताछ हुआ, पूछताछ के दौरान वो उनका नाम पूछा तो वो अपना फर्जी नाम नहीं कह करके वो अपना मुसलमानी नाम वहाँ का बांग्लादेशी नाम कह दिया। वो वहाँ शास्त्री नगर थाना उनको धर लिया, उनको धरने के बाद में अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद में जो दीपक कुमार चौधरी है उसका मम्मी उषा देवी सरपंच है, उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ और वो उनका जो लड़का है बहुत चढ़ भर करके बात कर रहा है। मतलब ये है कि जैसे हमको बार बार धमकी मिल रहा है, हमसे कुछ बातचीत हुआ इसके संबंध में, इसका ऑडियो जो वायरल हुआ तो ऑडियो हमको जो मिला तो हम इनको जो बार बार धमकी दे रहा था इनको हम कहें कि बाबू ऐसा मत करो नहीं तो हम आगे ऊपर कंप्लेन करेंगे। मैंने ऑडियो क्या था, ऑडियो में ये कहा था कि बांग्लादेशी को ऑल इंडिया में एक ही शख्स लाने वाला है, वो दीपक कुमार चौधरी हुआ, घर खजौली हुआ, और वो आरडीएक्स का भी देनी लेनी एक दूसरे का नेटवर्क में जाल तार जुड़ा हुआ एक दूसरे अपने में तार जुड़ा हुआ है। आरडीएक्स का बार बार नाम लेकर के पूरे परिवार को मारने का धमकी मिल रहा है हमको, तो हम ऊपर हर जगह नीचे से लेकर के एसपी से लेकर के ऊपर तक गृह मंत्री तक हम गोपनीय सूचना भेजे। वो दिनांक आपको 16/3/2020 को हम भेजे हैं, ये घटना है आपका 22/3/2017 का घटना है। अभी तक उस आदमी को कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया गया है, उसको फ्री छोड़ दिया गया है और उसको थाना प्रभारी या जो भी प्रभारी हो नीचे का वो माल लेकर के सेटल हो गया है और उस पेपर को दबा दिया गया है। और उसका मम्मी का वर्तमान का स्थिति अगर देखते हैं तो 13 से पहले उसका स्थिति देखा जाए तो बिल्कुल नाजुक था, खाने पर भी मोहताज था, मगर अभी तक 13 के बाद 20 तक का स्थिति बहुत दयनीय हो गया है, बहुत अच्छा स्थिति में आ गया। इसका कहां से रिलेटिव है और कहां से इतना इनकम।